दूसरा आदमी कौन देगी? अठिन कांग्रेस का बैठे अठिन बीजेपी का बैठे ही माने तो बता दो चुप कैसी। मेरा नाम कुछ भी अपने तो जाऊं को नहीं मरे नयो चेहरा है ही को नहीं कोई वहां के टक्कर में ही को नहीं आवे चांदो को नहीं मेरे घर में भूत बंगलो है चांदो को नहीं मेरे घर में तो मोदी जी नहीं दूंगा वोट और मेरे बॉय कनेक्शन कराओगे ये मुक्कन करके अंदर नहीं तो मैं गांव छोड़ूंगा। यो मेरा नाम मिस्टर विजय के दियो मंत्री जी ने पक्को राजकुमार जी जीता ग्वाल लो मारी तरफ से तो प्रधानमंत्री में एक रोग है मोदी दिन तो आने नीचे जिंदगी भर मोदी रियो के का साथ में तो जी के फोनिया को माए लो जी तो बोला को नहीं आके भूख मरी आ रही हो बेरो को नहीं मोदी के कर रियो सटोरिया एक नंबर का कांग्रेस की है। चुनाव का के माहौल है कि एक ही माहौल है डॉक्टर राजकुमार शर्मा दूसरा कोई राज को नहीं कहें दूसरा आदमी ने मौको कौन देगी मौको जा कर सर बिल को आदमी को नहीं वो बिना मुझे काम करे जनता ने कौन मुझे ठाने कैसा है मुकुंदगढ़ में नोरगढ़ क्षेत्र में राजकुमार ने कोई समान चाहे को नहीं वो मुझे को नहीं ठाने काम में कैसा है वो बिना पूछे ही सा काम करे है टेंशन करी रो बिना पूछे कर दी रोड करे रो बिना थारो के काम कर दियो है थारो कहीं कहीं मारो कर फिर क्या को है जनता को रोड गांव को काम विकास करो तो भाई जनता में थे भी तो आओ ही हो जनता ने माने के लो तो हजार रुपया पैसे दे वाला को क्यों दे वाला को बाकी बोले तेल लहसुन मिर्ची हल्दी सब कुछ दे लागो और के चाहे हमारी ने फोन दे दी थी तो भाई आंटी जी काम तो कर लेगी या मोबाइल चलाओगी मंटी जी काम मारे की मात्र इन भी साढ़े तीन आदमी है जो माने के चाहे है मारो बहुत गलो दे वो ही आटो को लाग रहे क्यों हाँ थे जोर का आदमी जोर का को नहीं मारो एक ही क्षेत्र में है डॉक्टर राजकुमार शर्मा बस बस मंदिर क्यों थोड़ा घणो मंदिर मा जा वो मंदिर भी बिके पानी पड़े है ने 6 साल तक बंद पड़े हो बने ही नहीं तो थाने कांग्रेस इतनी अच्छी कह लगे कांग्रेस में खानदानी कांग्रेस या तो बीजेपी कह को नहीं अच्छी लगे ना अच्छी बार की बात को नहीं माने या और कोई पार्टी पार्टी और भी बहुत सारी आम आदमी तो है ना पार्टी सब अच्छी है मैं तो आदमी ने वोट देवा अच्छा डॉक्टर राजकुमार है भी आदमी ने देवा मैं कांग्रेस ने बीजेपी ने बसवा ने वोट कौन देवा मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने वोट देवा देखा तमाशा तमाशा देखो क्या का तमाशा देख रहे हो रोड बन रही है रोड बन रही है तो अब की बार वोटा को क्या ढंग है वोटा को तो मतलब वोट पड़ा का देखा ना किने वोट दे रहे हो के बारे हाल तो कोई नक्की को नहीं है टाइम टाइम की बात है कोई नक्की को नहीं है कोई नक्की को नहीं अभी मानियो मेरे को नहीं वोट कद है वोट होएगा थोड़ा बाद में 4-5 महीना बाद वोट होएगा मैं तेरी नौलगढ़ तहसील है तो तहसील में किने वोट दोगा बीजेपी ने दोगा कांग्रेस ने दोगा खानदानी कांग्रेस ही हमें खानदानी हां जी तो यो खानदानी भी चल रहा है के पार्टी के अंदर भी चल है हाँ जी अंकल जी हाँ जी आए गए बैठे हो चुपचाप मैं चुपचाप सबसे बोलने लग गया हाँ अच्छा और बोल रहा वोट भी देगा किन देगा बीजेपी किन देगा के खानदानी बीजेपी का हो गई जी खानदानी बीजेपी का अध्यक्ष बीजेपी पे तो एक जगह जिन सत्संग ही संग कौन सी संग भी जिनसे संत 52 से पदा चुनाव है अध्यक्ष अच्छा अठिन कांग्रेस का बैठे अठिन बीजेपी का बैठे ही अच्छा तो लाग जाए करे चार महीने सब के काम करवाए हो की बार तारा जो प्रेजेंट में विधायक जी में मेरे तो विधायक जी भी काम बढ़िया करवायो है तहसील बनवा दी है अजंत खाना वाना का साधन का किया काम करियो विजय राजकुमार जी भी काम करियो अच्छा वोट वाट किन दे रहे हो की बार वोट वाट तो बढ़िया रहो को भी नहीं दे देऊंगा फिर भी अभी बढ़िया को तो गठिया को तो केबेरो फिर भी देता आया हो या मन चेंज करोगा वोट तो देखो मारा मन की इच्छा है वो तो दे के आऊंगा अभी बाद में बताऊंगा कि न दे के आया जो पहली को नहीं बताओगे पहली कौन बताऊंगा क्यों नहीं बा मानी मन की मर्जी है माने तो बता दो चुप कैसी कोई नहीं कौन बतावा यो मतदान को नहीं है नहीं बतावा मतदान है तो बस जड़ जाऊंगा लगा यो क्या मन को दान है तो बिल्कुल वो दिया बाद में ही पता लागो जो जीतता को भी नहीं समझ लियो दिया अच्छा फिर भी पार्टी से पूछो जना भाई या फलानी पार्टी में अच्छी लगे पार्टी सब बढ़िया है हमारे लिए बीजेपी सबसे बढ़िया है अभी भी कोई चाल के करवाए है बीजेपी थारे सब करवाए है बीजेपी मोदी सब बढ़िया ही काम कर रहे है कोई खराब थोड़ी कर रहे है जो हमारे स्टेट में जो बढ़िया रहो वो भी ने देवांगा वोट अड़ी ने एक आंटी जी कड़े चाल पड़े आओ आओ तारों भी बात करा आंटी जी पहले तो देखने लाग रहे अब चले गए आ जाओ अब बताओ क्या खाते
मैं बोलू कोई नहीं बोल दिया आप वोट कोई बोरी को नहीं गिरा करेड़ा ही खा जाए और खारे ये क्योंकि पास हो रहा पिछा एक हजार ना इसमें की कमी है। अब आंटी जी खाने बीजेपी ने हाँ। कांग्रेस ने दियो मन सुन को दो कोई नहीं कौन दिया तो बता देना कोई कांग्रेस ने देवान कोई बीजेपी ने देवान तो फोन सुन रहे हो फोन आ रहे है एक बार तो भगवान बोल रहे सुन रहे कि थाने भी सुनी हो दिखाने ना कौन भगवान थोड़ी बोल तो फोन में सुने को सुने मन से सुने तो आई है हाँ जी दीदी थे भी बता दो बीजेपी है अपन कुछ बोरी करे कोई कौन करे दमा के पान कमा के खावा नहीं वोट तो देने जावेगा अभी झूठ बोला हां जावांगा बीजेपी ने बोलो चाहे कौन जावा कौन जावा के नाम में थारो मेरा नाम कुछ भी अपन तो जाऊं को नहीं मरे ये बताओ थे किन सपोर्ट करेगा बीजेपी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बीजेपी को महिलाओं के लिए बात करें तो बीजेपी कितनी अहमियत रखे है देखो वो तो देखना मैं लेकिन मेरे मन के दायरा के अनुसार मैं बीजेपी को ही चुनूंगी हमेशा से मेरे लिए वही है तो उनको ही दूंगी मैं तो वो तेरो पी है रे ससुराल माइको है तो ससुराल लाला किन सपोर्ट करी बीजेपी को ही करते हैं अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद क्या चाय का सूटा मार रहे हो चाय पी रहे बढ़िया लग रही है चुनाव की भी बात कर रहे हो चाय पी रहे हो देखो मैं तो सरकारी नौकरी आना चुनाव की बात मैं तो क्या कर सकता तो सरकारी हो चाहे नो प्राइवेट हो फिर भी बात तो करता ही होगा यही है कि भाई मीडिया के सामने कौन बता ना ना मीडिया के सामने मार मतलब ही देखो चुनाव मान लिया तो जो सब बढ़िया है देखो है हाँ बताओ अंकल जी की मैं बता दू मैं तो यही पूछा कि भाई काम धंधो क्या चल रहे है के पार्टी में चल रहे है कौन सी पार्टी में सपोर्ट कर रहे हो किन वोट दे रहे हो आप तो नहीं भाई ना ना के को बीजेपी का हो गया मैं तो कैसा गई को नहीं मीडिया सुहा में तो हाँ जी अंकल जी बताओ अरे मार तो भाई साहब ही जीता राजकुमार जी आएंगे जीती तो ही पर थारो मत कड़ी जाए है बानी जाए भाई साहब नहीं और जीतेगा ही राजकुमार जी और कौन जीतेगा दूर एक अंकल जी दूर ही की बाका ही मिलेगा जब 15 साल होगी 15 साल बाद में खून के नयो चेहरा ना आपका मौका नयो चेहरा है ही को नहीं कोई वहां के टक्कर में ही को नहीं आवे के काम करवाए राजकुमार जी तारे के समस्या है एक करा दियो सरकारी आईटीआई बना दी सरकारी गर्ल्स कॉलेज बना दी रोडा बंडी है तहसील खोली दी है और कैसा है गाँव ने हॉस्पिटल ने घणो ही बड़ो बना दियो जनता ने भी विकास से के कियो मेरा घर भूत बंगलो है के दूंगा मंत्री जी ने चांदो ही को नहीं मेरे घर में बंगलो चांदो को नहीं मेरे घर में हाँ लाइट को कनेक्शन को नहीं आज पूरे मुकनगढ़ में चांदो अपन मेरे घर में चांदो को नहीं अब बताओ के नाम अंकल जी राम मेरा नाम विजय शर्मा है पाटनाड़ा के खेला में थारे घर लाइट को नहीं कोनी मेरे घर में किसी बात करो मैं झूठ को नहीं बोले जाके मेरी माँ ने पूछ लो तो लाइट कहे को नहीं दूसरा को कनेक्शन हो तो मैं थोड़ी पीछा भरांगा बीमा मारो कनेक्शन को नहीं ऑन दे रहा कनेक्शन कौन को नहीं ऑन दे रहे हो माला को नहीं ऑन दे रहा गंगाराम जी वाला पड़ोसी को नहीं ऑन दे रहा तो पड़ोसी नहीं ऑन दे रहा तो जाओ थे नेता लोग आगे जाके अधिकार हूँ बात करो कि भाई क्यों को नहीं हो रही हो की बात है बे बोले मैं को नहीं ऑन देवा बाकी बोलो नो थोड़ी हुआ है तो तड़कन धनिया भी खदी अडे रहनी कौन देवा जीनी कौन देवा अभी ये अडे तो घर का ही तो लंका ने ढावा ही है बा बात तो थारी सही है कठिना कड़ैया बात भी ठीक है चलती आई है या बात भी पर देखा ने तो मार ले तो बचे तो मैं तो मोदी जी नहीं देऊंगा वोट और मेरे बॉय कनेक्शन कराओगे ये मुकनगढ़ के अंदर नहीं तो मैं गांव छोड़ूंगा यो मेरा नाम मिस्टर विजय के दियो मंत्री जी ने राजकुमार ने और गहलोत जी ने कनेक्शन में करा के बताऊंगा लोग बोले 25,000 लगेगा 50,000 लगेगा मैं कुछ कौन लगाओ मारो बीपीएल कार्ड है मेरा बीपीएल में हो फिर भी कनेक्शन को नहीं हो रो मारे या हो रही अटे तो राजकुमार जी सुन रहे हैं अड्डा का विधायक जी अड्डा का सरपंच जी जता भी अधिकारी तो भाई अंकल जी एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करियो हाँ जी थे इतना भेड़ा होगा थे के कुछ कहना चाहोगा अंकल जी लिए चिड़ रहे हैं कि अंकल जी राज देखो उम्र कितनी बड़ी हो रही है कनेक्शन को नहीं हो रही एक तो बाकी विधायक जी थारे राजकुमार जी ने जो काम कर रहे हैं बता रहे हूँ मैं काम तो करवा रहे हैं बढ़िया पर कोई दूसरे की गरीब के बारे में भी के बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए जय मान लो कि अंकल जी आप कनेक्शन को नहीं आके देखना चाहिए आप रोड जानो रोड आना तो बता दुनिया माड़ा घालती रहेगी चलती रहेगी पूजा पाठ करो और मजा करो तो बाकी राजकुमार जी है बढ़िया काम करा रहे हैं आज के दिन बढ़िया काम चल रहे हैं यहाँ का जो आदमी कुछ लोग ही बाकी लिए थोड़ी देख मनिया लगा है की लोग आता की ये अंकल जी और भाई लोग भी जनता भी बातें कौन पहुँच पाए भाई अड़े तक कौन पहुँच पाए बात वही है नहीं तो यहाँ की बात तो होनी की भाई कनेक्शन को नहीं हुआ ये युग के अंदर भी कनेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर कनेक्शन कर दो तो भाई पहले तो फिर भी मान लेता 15-20 साल पहले अब तो 4-5 साल में तो घर घर लाइट घर घर पानी सब कुछ घर घर हो रहा है अभी तो इतनी है कि राजकुमार जी न तो ये मिला कर दे और मिलता तो भी कौन कोई आपकी सलाह देता है राजकुमार जी कनेक्शन भी करवाता कुछ करवाता हर गाँव के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव के अंदर काम हो रहा है सारा काम चल रहा है बाकी सब काम ठीक हो रहे हैं
अच्छा हाँ पर यहाँ का गरीब आदमी थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सोच विचार हो तो बढ़िया लगे। पार्टी की बात करा तो की का नहीं अबकी बात हर दागो जी राजकुमार राजकुमार जी का दागो पक्को राजकुमार जी जीता ग्वालियर मारी तरफ से तो हाँ जी राम राजकुमार जी हैं लोगों से और जो मुख्यमंत्री का लायक है वो भी लायक मुख्यमंत्री मंडस के हैं लोगों से और वो भी अच्छा तो ते सोच रहे होगे मुख्यमंत्री के बारे में हाँ क्या सोच विचार है थारी नहीं यार हर चीज की बड़ी है सोच मुख्यमंत्री किन देखना चाहोगे राजस्थान में देख कौन बने और प्रधानमंत्री वो तो मने श्री मोदी जी तो अड़े तो कांग्रेस ना दे रहे और बारे तो अब थे मतलब ये जो मुख्यमंत्री को लेके प्रधानमंत्री अपने पहुंचगा तो प्रधानमंत्री में एक रोग है के रोग है वो रोग है कि वन रैंक वन पेंशन खा को 2000 अलाउंस कर दिया अभी तक किसी सर्विसमैन को दिया पैसा सब का खा पी के एक साइड लाग गया अभी केक होना बताऊं रामलीला ग्राउंड में 3 लाख भरे पड़े के बारे में कोई सोच विचार है आसाम आग लगी के बारे में कोई सोच विचार करी हिमाचल का मां नदी नाला चले वो बादल फाटियो बिना कोई नदी नाला तो अपने राजस्थान में भी घणा ही चले नहीं बस मेल पड़ा जगह मरगा 150 तो मरगा के बारे में कोई सोच विचार करी कुछ नहीं मोदी दिन तो आने नहीं चाहिए जिंदगी भर तो इसी बात बोल के चला गया थे के खानो चाहोगा थे कया एकदम रुसे रुसे खड़े हो ना मैं तो मोदी जी का सागा मोदी रियो के सागा मैं तो मान नहीं वोट लेंगा मोदी जी नहीं देवांगा वोट भाई क्षेत्र में बाने दोगा राजकुमार जी ने बतायो अंकल जी पर भैया मोदी जी का भैया मोदी भगत पक्का ही जना थे तो दोनों हाथ हम तो इज्जत तो कोई दूसरो दिख रही को नहीं चेहरा ही अभी एक भैया जो पेड़ा बनाने लग रहे हैं हम भी आप बातचीत कर ले हाजी राम 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 मुकनगढ़ का भाई फेमस पेड़ा ये बनाने लग रहे हो पेड़ा आएंगे तो कोई ने खाना हुई तो जरूर आ जाए तो के हालचाल है हालचाल बढ़िया और वोटा को रे वोटा का तो के बतावा राजकुमार जी है देखा तो मुकनगढ़ क्षेत्र के अंदर ज्यादा राजकुमार जी का ही हां आया कया के बात है कोई थन गोल गाल की तो नहीं पा रखे मानने के गोल की पावा है जो आदमी काम कराओगो बा कोई होगो देखो नाम तो दुकानदार के लिए कुछ कौन करे मोदी और तो काम बढ़िया करे मोदी के करो कांग्रेस आ गई है 101% आप नोलगढ़ से राजकुमार जी तो 50,000 वोटर से मंडा सभा जीते रीटा चौधरी सब जीतेगा कांग्रेस कहेंगे 131 सीट आगी कांग्रेस की अंकल जी खड़े जोश भर के ले रहे हो तो मैं इज्जत से ले रहा जोश भर के सब्जी बेचा मैं कोई फोकट को नहीं खावा कमार खावा तो सही है जोश देख लियो आज के लो वोट 50,000 की लीड में लगा राजकुमार की 5वीं सीट में हाँ तो तेरे कोई सट्टा साटा मत मार लियो के देखी सट्टा में तो खुला करा आज तक कोनी करा जीता है सट्टा सटोरिया एक नंबर का तक जागी बहुत सारे जीते जाओ से 101% 131 सीट कांग्रेस की के चीज ने देखी वोट दो हैं सारी भूख मरी द्वारी और के देख के क्या वोट पेंट्रोल हो कांग्रेस के राज के मायने 62 रुपया आज 109 रुपया है डीजल पेंट्रोल सिलेंडर का 1125 रुपया हो रहा है 325 में मिल तो कम कर दिया हर रुपया तो कम कोई कौन ले पूरा ले 1125 ले 5 पैसे कौन ले बिपेला रहे पूरा ले हाँ कांग्रेस की है भूखमरी हो रही है तो राजस्थान कांग्रेस में होकर के भूखमरी क्यों हो रही है पता है तो जड़े मोदी मोदी बदलो मोदी कांग्रेस ले रहा है भूख सारी कांग्रेस ही ले रहा है भूख ही सारी बदलेंगे मैं तो कर्मचारियां आई था कौन बोल सका सरकारी तो कोनी पड़ सरकारी ये कांग्रेस को खा दिया पच्चे में कुछ नहीं है कांग्रेस को कोनी बाय मैं तो सदा बीजेपी को ही खाया और बीजेपी को ही खा रहा और आगे गलौत ही लगाए हुए यार वो देखो क्या लड़ी बीजेपी कांग्रेस के लिए लड़ने कोई बात नहीं 101% बता दिया थाने से कितने हो जाए ये तो 101% बताते थे अंकल जी बस 100% बीजेपी का यह बताने की जरूरत ही नहीं अब की बार जयपुर में और नोलगढ़ में दोनों जगह बीजेपी की सीट देऊंगा हाँ। तो कस दियो ना तंजे मैं क्या जनता किस रहा की क्यों परेशान होगी जनता मेरे एक लग पूरी जनता की जुबान है नोलगढ़ के मायने और आवेगी भी कौन आगे आगे पड़ जाओ ऐसे थे नोलगढ़ की छोड़ो राजस्थान के अंदर ही 131 सीट बता रहे हैं कांग्रेस की गलौत की
131 होता देख लियो दिल्ली आदि वो क्या मोदी में जीतूंगा इंडिया के वो जीतेगी इंडिया जीतेगी मोदी की जीते वो इंडिया जीतेगी। तो भाई अंकल जी आपकी पूरी भड़ास काट ली है लगातार वीडियो के माध्यम थे देखे हुए कि मुकुंदगढ़ के अंदर में आया है और काफी सारा लोगों में बातचीत है बाकरी ही वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। चुनावी यात्रा में करने लग रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी जाके चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव ही बस है आन लग रहे हैं। भाई अब की बार कौन सी पार्टी को दबदबो है क्षेत्र में किन लेके आ रहे हैं कशो के काम हो रहे हैं तो सब लोगों में बातचीत कर रहे हैं। वीडियो ने शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो।